तो गाइज आप सभी को बताया अपने गेम को जो न्यू अपडेट आ चुका है और न्यू अपडेट में आप लोगों को बहुत सारे व्हीकल देखने को मिला है, लाइक जैसे आप लोगों को फ्लाइंग बाइक देखने को मिली है, जेट पैक देखने को मिला है और मिनी जेट पैक भी देखने को मिला है और बोट भी देखने को मिली है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बोट का और फ्लाइंग बाइक का चीट कोड जो है बताना भूल गया था। तो गाइज इस वीडियो में होने क्या वाला है, इस वीडियो में आप लोगों को चीट कोड तो बताऊंगा ही, साथ ही मैं आप लोगों को बोट का और फ्लाइंग बाइक का भी कोड बताने वाला हूँ एंड उसको चलाकर भी दिखाने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो का एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन गाइज अभी आप लोग यहाँ पर देखिए जो अपना न्यू अपडेट आ चुका है उसमें आप लोगों को नया घर देखने को मिला है। तो अब मैं आप लोग बता देता हूँ फ्लाइंग बाइक का कोड क्या है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज सीन कुछ ऐसा है, न्यू अपडेट में हमें बहुत सारे व्हीकल देखने को मिला है, जैसे हमें न्यू फायर ट्रक देखने को मिला है जिसका कोड अपना 606 है। पहले भी एक फायर ट्रक आता था 606 से, लेकिन अब उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है ये अपना न्यू फायर ब्रिगेड। जो अपना फायर ट्रक था वो लगता नहीं था कि हाँ वो फायर ब्रिगेड है, ये लग रहा है पूरा रियल फायर ब्रिगेड। तो ये आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिला है, इसका कोड है गाइस 606। एंड गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर कोड होने वाला है अपना वो होने वाला है 3100। इससे क्या होगा गाइस, इससे स्पॉन होगी अपनी बुलेरो, ये हमें सुपर बुलेरो न्यू अपडेट में देखने को मिली है। एंड भाई इसके आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे भाई हमारे लिए बुलेरो कार ऐड करवाइए, बुलेरो ऐड करवाइए। तो भाई आप लोगों के लिए बुलेरो कार ऐड हो चुकी है, देख लीजिए यहाँ पर कितनी ज्यादा जबरदस्त लग रही है ये। एंड गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस जेट पैक का कोड। जी हाँ गाइस इसमें टोटल दो जेट पैक आएंगे, मिनी जेट पैक और बिग जेट पैक। गाइस मिनी जेट पैक का चीट कोड अपना 330, ये देखो ये यहाँ पर स्पॉन हो चुका है। एंड भाई इसको भी फ्लाई करने में मजा आता है। एंड गाइस जो अपना नेक्स्ट कोड होने वाला है वो बिग जेट पैक का होने वाला है 320। एंड देखो बिग जेट पैक भी स्पॉन हो चुका है एंड इसको चलाने में और भी ज्यादा मजा आता है, सॉरी चलाने में नहीं उड़ाने में। एंड वो भाई इसकी जो स्पीड है वो एक नंबर है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस अपना घर, जो अपना पुराने वाला घर था ना वहां पर चलते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया उस घर पर नहीं गए हम, क्योंकि भाई जो अपना न्यू अपडेट आया है ना जब से हमें न्यू हाउस देखने को मिल रहा है, जो अपना ओल्ड हाउस है ना उसको तो पता ही नहीं वो कहाँ पर है। तो चलो गाइस चलते हैं उसके पास। तो भाई देखो यहीं पर बस वो आने वाला है क्योंकि भाई एयरपोर्ट के वो पास ही था। देखो वो सामने यहाँ से दिख जाएगा आप लोगों को, देखो गाइस वो रही वो बिल्डिंग एंड देखो गाइस वो रहा अपना घर। एंड भाई सच में इस घर की बहुत ज़्यादा याद आती है अब, क्योंकि भाई पहले जो अपना करेक्टर था इसी घर में से निकल कर आता था, क्योंकि भाई ये बहुत पहले से ऐड है इसमें, मतलब बहुत टाइम हो गया इस हाउस को ऐड हुए हुए। तो चलते हैं इसके अंदर, हमें क्या कुछ नया देखने को मिला है क्या न्यू अपडेट में, क्या पता कुछ नया ऐड कर दिया इस गेम के डेवलपर ने। बाकी गाइस देख लीजिए यहाँ से कुछ ऐसा घर है ये, एंड भाई सेम वही है। एंड गाइस इसका जो फैन है चल रहा है, यहाँ पर फैन ऑफ करता हूँ मैं, क्या पता ये वाला भी ऑफ हो जाए, क्योंकि जो अपना नया घर है उसमें हम फैन ऑफ लिखते हैं आरजी स्टूल में तो फैन ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, ये मैंने फैन ऑफ लिखा तो भाई यहाँ पर जो है नहीं हुआ कुछ भी। तो गाइस ये कुछ अपना घर है एंड भाई जबरदस्ती अपना है, अब पुरानी यादें वापस आ गई, जो अपना गेम पहले था कुछ ऐसा था। तो भाई मजा आ रहा है अब गेम को खेलने में। एंड भाई स्विमिंग पूल वो क्या हो चुका है यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो अब कुछ अलग ही लग रहा है, ऐसा स्विमिंग पूल नहीं था पहले, क्योंकि पहले कुछ अलग देखने को मिलता था, अब तो पूरा ग्राफिक्स चेंज किया ना उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिल गया है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्लाइंग बाइक का कोड क्या है, लेकिन पहले मैं आप लोगों का जो चैलेंज है वो कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे आप लोगों ने चैलेंज दिया है मुझे रेस करनी है गाइस बुलेरो वर्सेस ट्रेन। जी हाँ गाइस मुझे बुलेरो को भगाना है ट्रेन के साथ एंड चेक करनी है अपने बुलेरो की स्पीड कैसी है, ट्रेन की बराबर है फिर ट्रेन से ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं बुलेरो को स्पॉन करा देता हूँ जो है अपना 3100 कोड। एंड देखो अब ट्रेन को यहाँ पर मैं जो है फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर जो अपनी ट्रेन है वो चल चुकी है मस्त। एंड भाई देखो जो फ्यूल टैंक से फट रहे हैं इनको फटने देते हैं ताकि ट्रेन अच्छी खास स्पीड में आ जाए। अब जो है ट्रेन अपनी फुल स्पीड में आने वाली है कुछ ही सेकंडों में एंड फिर मैं अभी अपने बुलेरो कार को भगाऊंगा बहुत ही खतरनाक स्पीड में। तो देखो ट्रेन चल चुकी है, तो चलो गाइस अब मैं भी चलाता हूँ अपनी इस बुलेरो कार को स्पीड में। एंड भाई इंटीरियर कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पर इंटीरियर कुछ ऐसा है। एंड भाई इसके स्पीड मीटर यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो जो स्पीड मीटर है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है अपनी इस बुलेरो कार का, तो पता नहीं चल पा रहा कितनी स्पीड में चल रही है अपनी बुलेरो। तो भाई ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी है, चलो अब चलाते हैं इस बुलेरो कार को फुल स्पीड में। तो भाई देखो यहाँ पर मैंने फुल स्पीड में चला लिया बुलेरो कार को, एंड भाई चेक करते हैं यहाँ पर बुलेरो जीतती है फिर नहीं। एंड भाई ठीक ठाक स्पीड लग रही है मुझे बुलेरो की, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खतरनाक भाग रही है। एंड भाई जीतने वाली है बस बुलेरो कार अपनी किससे, ट्रेन से। लेकिन हम यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी चेक करने वाले हैं अपने बुलेरो की कैसी क्वालिटी है, क्योंकि भाई अभी तक तो मुझे यहाँ पर कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि वरना इतनी स्पीड में जो है अपनी कोई भी कार टूट जाती थी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो है कुछ नहीं हुआ है। तो देखो अब जो है गाइस मैं इस बुलेरो कार को लेके आऊंगा ट्रेन के सामने, एंड भाई जब ट्रेन इसके ऊपर चढ़ेगी ना तो पता चल जाएगा अपनी बुलेरो कार की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितनी तगड़ी है या फिर ऐसी नॉर्मल सी है। तो भाई देखो जो अपनी बुलेरो कार है वो यहाँ पर जीत चुकी है गाइस, आज की चैलेंज की विनर है अपनी बुलेरो कार। एंड भाई जितनी बार मैंने चैलेंज किया है सिर्फ एक बार हारूंगा, वो भी किससे,
अपनी साइकिल से, बाकी अभी तक ट्रेन किसी को नहीं हरा पाई। तो यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर ब्रेक लग चुकी है, अब ट्रेन जो है पीछे से आने वाली है। एंड भाई ये आ गई ट्रेन पीछे से, तो भाई यहाँ पर देखो उड़ा दिया भाई, भाई देखो उड़ा ही दिया ट्रेन ने बुलेरो कार को, जो पहले यहाँ पर अपने मैं कोई भी व्हीकल को लेके आया था उसको ट्रेन जो है ऐसे नहीं उड़ाती थी। ओके तो गाइस देखो मैं दोबारा से आ चुका हूँ ट्रेन के आगे। एंड भाई यहाँ पर फिर से चेक करते हैं ट्रेन अपनी कार को उड़ाती है फिर नहीं। एंड भाई यहाँ पर फिर से मिशन फेल्ड हो गया। ये देखो भाई एक तो ये ट्रेन, एंड भाई ट्रेन की जो स्पीड है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही धीरे लग रही है आज, आप लोग भी देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही धीरे लग रही है ट्रेन की स्पीड। देखो गाइस ट्रेन आ रही है पीछे से, एंड भाई इस बार खतरनाक यहाँ पर ठोकेगी। एंड भाई देखो ज़मीन के अंदर घुस दिया भाई, भाई देखा आप लोगों ने बुलेरो कार को जो है ज़मीन के अंदर घुस दिया है। एंड अब मैं इस कार से जो है बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या होता है। तो भाई जो अपना कलेक्टर है वो तो सीधा नीचे ही पहुँच गया। एंड भाई ये समुद्र है क्या है, तो भाई देखो ये कहाँ पर पहुँच चुका है अपना कलेक्टर। फर्स्ट टाइम में तो अपनी बुलेरो कार को उड़ा दिया था, लेकिन भाई सेकंड टाइम में जो है ज़मीन के अंदर ही घुस दिया है। तो भाई ये थी अपनी बुलेरो कार। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो मुझे क्या चैलेंज करना चाहिए। हाँ आप लोग मुझे ये भी कमेंट कर बताइए मैं अगर एम को किस व्हीकल से कंप्लीट करूँ, जेट पैक से या फिर किस चीज़ से, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे जेट पैक से तो हो ही जाएगा वो, हाँ किस व्हीकल से करूँ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या चैलेंज करना चाहिए। एनीवेज अब मैं आप लोग को बता देता हूँ न्यू अपडेट में आप लोगों को फ्लाइंग बाइक देखने को मिली है क्या। गाइस देखो यहाँ पर जो है टोटल दो जेट पैक आए हैं, एक आया है मिनी जेट पैक जिसका कोड अपना 330 है, और एक आया है बिग जेट पैक जिसका कोड अपना 320। तो गाइस देखो जो फ्लाइंग बाइक होती है अपनी उसका क्या काम होता है, उसको जो है हम फ्लाई करते हैं, इस बाइक को हम फ्लाई करते हैं ना फ्लाइंग बाइक को, तो ऐसी सेम गाइस जो अपना जेट पैक है फ्लाइंग बाइक का ही काम कर रहा है। क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पर देखिए मैं इस जेट पैक को जो है फ्लाई कर पा रहा हूँ, एंड जो फ्लाइंग बाइक होती है अपनी वो भी कुछ इसी तरीके से फ्लाई होती है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है इस गेम के डेवलपर ने जो है इसमें फ्लाइंग बाइक की जगह दो जेट पैक ऐड कर दिए हैं, एक तो ये बड़ा जेट पैक कर दिया है और एक फ्लाइंग बाइक ऐड की थी उसकी जगह यहां पर उन्होंने मिनी जेटपैक ऐड कर दिया है। तो ये सीन है, इसलिए इस गेम के डेवलपर ने इसमें फ्लाइंग बाइक नहीं ऐड की है। तो भाई वो करके भी करेंगे क्या, वो भी सेम अपने जेटपैक का ही काम करेगी, तो इसलिए इस गेम के डेवलपर ने इसमें फ्लाइंग बाइक को नहीं ऐड किया है। लेकिन हाँ अगर आप लोग इसमें फ्लाइंग बाइक को ऐड करवाना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोग यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं जिससे जो है आप लोग कोई भी नॉर्मल बाइक को फ्लाइंग बाइक बना सकते हो। कैसे, आप लोग क्या करना है यहां पर कोई भी बाइक को स्पॉन करा लेना है। देखो यहां पर मैं स्पॉन करा देता हूं कावासाकी निंजा H2R। अब क्या करना, यहाँ पर आप लोगों को चीट कोड डायल करना है 7112। इसके अलावा इसे मून ग्रेविटी का चीट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे इस बाइक को चलाना होगा फुल स्पीड में। जैसे इस बाइक को मैं फुल स्पीड में चलाता हूँ तो भाई ये जो बाइक है अपनी ये जो है फ्लाई होने लगेगी। जी हाँ गाइस आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अभी देखना आप लोग ये जो बाइक अपनी फ्लाई होने लगेगी तो यहाँ पर बन जाएगी फ्लाइंग बाइक। देखो गाइस अभी मैं इसको किसी चीज़ से टकराता हूँ किसी वॉल वगैरह से, तब देखते हैं यहाँ पर ये फ्लाई होती है क्या। एंड देखो ये सामने कार जा रही है, इस कार से टकराता हूँ नहीं सामने रैंप है, फिर तो 110% उड़ेगी अगर मैं उस रैंप से उड़ा दूंगा तो अपनी इस बाइक को। एंड भाई देख रहे हैं यहाँ पर फ्लाइंग बाइक जो है बनने वाली है अपनी नॉर्मल बाइक। ऑल राइट गाइज देखो यहाँ पर जो अपनी बाइक है वो यहाँ पर फ्लाइंग बाइक बन चुकी है। एंड भाई देखो कैसे यहाँ पर फ्लाई हो रही है, एंड भाई मस्त लग रही है अपनी बाइक यहाँ पर सच में फ्लाई हो रही है। तो भाई ये अपनी बाइक बन चुकी है फ्लाइंग बाइक। तो अगर आप लोग भी अपनी कोई भी बाइक को फ्लाइंग बाइक बनाना चाहते हो तो मून ग्रेविटी का चीट एक्टिवेटेड कर लेना 7112, एंड जो भी बाइक को बनाना चाहते हो उसको चला लेना तो वो बाइक जो है फ्लाई होने लगेगी। तो गाइज अब मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग जो है फ्लाइंग बाइक को कैसे ऐड करवा सकते हो अपने न्यू अपडेट में। गाइज अभी जो अपना लेटेस्ट अपडेट आया है इसमें तो आप लोग फ्लाइंग बाइक नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ अब जो इसका न्यू अपडेट आने वाला है ना, मतलब आने वाला नहीं आएगा जो न्यू अपडेट उसमें आप लोगों को फ्लाइंग बाइक देखने को मिल सकती है अगर आप ये तीन स्टेप फॉलो कर लेते हो तो। वो तीन स्टेप क्या है गाइस, फर्स्ट स्टेप है इस वीडियो में कमेंट कर देना है आप लोगों को फ्लाइंग बाइक का। जी हां गाइस सबसे मेन चीज है कमेंट कर देना है इस वीडियो में फ्लाइंग बाइक का। एंड गाइस जो सेकंड स्टेप है वो है गाइस आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। जी हां गाइस आप लोग ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये वीडियो इस गेम के लेवल पर तक पहुंच गई ना, एंड फिर उनको फ्लाइंग बाइक के ज्यादा कमेंट दिखेंगे तो वो फ्लाइंग बाइक आप लोगों के लिए ऐड कर देंगे। एंड गाइस जो अपना थर्ड स्टेप है वो है गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वो इसलिए क्योंकि अगर फ्लाइंग बाइक के अगेंस्ट कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ठीक है गाइस जल्दी से ये तीन स्टेप फॉलो कर दीजिए और आप लोगों को फ्लाइंग बाइक देखने को मिल जाएगी न्यू अपडेट में। तो गाइस आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे, समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे भाई हमें फ्लाइंग बाइक का कोड बताइए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है फ्लाइंग बाइक अभी जो है इसमें ऐड नहीं हुई है, लेकिन अगर आप लोग ऐड करवाना चाहते हो तो तीन स्टेप को फॉलो कर सकते हो, वो थ्री स्टेप क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइस आज की इस वीडियो को मैं यही ऐड करता हूँ, आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।